नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना ब्रेन का पावर को बढ़ा सकते, व्हील पावर को बढ़ा सकते, कैसे आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते। इसका लिए कुछ एक्सरसाइज होता है, तो वो एक्सरसाइज करने से बहुत जल्द आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने लगता है, आपका जीवन में कॉन्फिडेंस आने लगता है। तब आप कुछ भी साधना करें, कुछ भी फील्ड में जाने की कोशिश करें, कोई भी काम हाथ में ले ले, तो उसमें आपको विजय मिलता ही है। इंसान का ब्रेन का दो हिस्सा होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, और एक है राइट हैंड साइड। ये ब्रेन का दोनों हिस्से ही काम करता है। जो राइट हैंड साइड का जो ब्रेन का जो पार्ट्स है वो आपका बॉडी का लेफ्ट हैंड पार्ट को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपका इंसान का बॉडी का राइट हैंड साइड को कंट्रोल करता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन से आपका राइट हैंड साइड वाला बॉडी दूसरा पार्ट से कंट्रोल होता है। तो हर एक का जीवन में कभी किसी का लेफ्ट हैंड साइड काम करता है ब्रेन का, किसी का राइट हैंड साइड काम करता है। जब आपका राइट हैंड साइड काम करता है तब आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ब्रेन का हिस्सा है वो ऐसे सोते रहता है। अगर आप दोनों ब्रेन का दोनों पार्ट्स को जगा सकते, एक ही साथ काम ऑपरेट करा सकते, तब आपका ब्रेन का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप कुछ एक साथ एक कुछ चिंतन कर रहे, कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे, कुछ पढ़ाई के बारे में हो या दूसरे कुछ काम के बारे में, तब आपका ब्रेन का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कुछ काम करेगा। अगर आपका दोनों पार्ट्स एक साथ काम करेगा तब आप सोच भी नहीं सकते आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए कुछ कुछ एक्सरसाइज होता है। मान लीजिए अगर आप राइट हैंड है तो आप लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए। राइट हैंड पे तो आप लिखती है, सब कुछ काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड का भी एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो राइट हैंड साइड का जो ब्रेन है वो काम करना धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। अगर आप लेफ्ट हैंडर है, आप लेफ्ट हैंड से सब कुछ काम करते हैं, तब आप राइट हैंड में भी कुछ कुछ कोशिश कीजिए। ऐसा करते करते जब आपका दोनों साइड एक साथ काम करने लगेगा तब आप दोनों हाथों से एक साथ काम करना शुरू कर दीजिए, जिसे एम्बिडेस्टर कहते हैं या सोभोसाची कहते हैं। महाभारत का युद्धों के समय अर्जुन राइट हैंड साइड से भी बाण चला सकते थे, लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकते थे, उनका दोनों पार्ट्स ठीक से काम करता था, इसलिए वो इतना ज़्यादा मशहूर था, इतना महारत हासिल कर पाया था। तो इसके लिए आपका दोनों ब्रेन का दोनों पार्ट्स को काम करना पड़ेगा। इंसान अगर मान लीजिए कोई काम लेता है तो वो काम करते समय वो सोचता है मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ये होता है आपका कॉन्फिडेंस के अभाव की वजह से। अगर आपका मन में कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप जितना भी साधना करें, जितना भी देवों का पूजा करें, जो भी करें, आपको वो काम नहीं करेगा, आप विजय प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका मन का जो सोच है, मन का जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। उसको आप बढ़ाने के लिए आपका दोनों ब्रेन का दोनों पार्ट्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कोई साधना करते हैं, साधना करके आपको ऊर्जा तो आ ही जाएगा, लेकिन एक बारे में सोचा है क्या आप उसका उस ऊर्जा को, उस शक्ति को कंट्रोल कर पाएंगे क्या? उसके लिए तो आपको खुद को भी तो थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ब्रेन का दोनों पार्ट्स को एक साथ काम करना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक एक्सरसाइज में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका दोनों हाथ को एक हैंड को आप सामने की तरफ और एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, एक ही साथ घुमाते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन का दोनों पार्ट्स बहुत जल्दी काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप साधना करके कुछ भी शक्ति पाने की कोशिश करते तो उसके लिए तो आपको लायक बनना ही पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, इसके किसी भी चीज़ में आप सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको उसका योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्यता के लिए आप अपना जीवन में ऐसा कुछ एक्सरसाइज का कोशिश कीजिए। कोशिश करते करते आपका जब शक्ति ऊर्जा बढ़ने लगेगा तब आप किसी भी फील्ड में आप विजय का प्राप्ति होगा। मैं इस